अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम मॉर्निंग में गए थे अपने बेटे के स्कूल, वहाँ से हमने ली है अपने बेटे की न्यू यूनिफॉर्म, जो कि पिछली बार वाली छोटी हो गई थी, तो हमें लेनी थी न्यू यूनिफॉर्म उसकी, और वाइट कलर की भी एक यूनिफॉर्म लेनी थी, बट वो अभी अवेलेबल नहीं थी, तो अभी हमने एक ही यूनिफॉर्म ली है। और जैसे कि रेडीमेड जो कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म्स वगैरह होती हैं, उनकी सिलाइयाँ बहुत ही ज़्यादा कच्ची होती हैं, तो एक बार मैं सारी यूनिफॉर्म को अच्छे से सिलाई लगा रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कच्ची सिलाई रेडीमेड, इसलिए मैं पूरी सिलाई दोबारा से ही लगा रही हूँ। और ये पैंट बहुत ज़्यादा लूज़ थी, तो मैं इसको अपने हिसाब से शेप दूंगी। बहुत ही ज़्यादा इसकी शेप अजीब सी थी, तो मैंने इसे शेप देके और थोड़ी सी इसे फोल्ड भी करनी थी मुझे, थोड़ी ये लॉन्ग थी, तो मैंने इसको कटिंग भी की थी। तो मैं ये काम कर लूँगी जल्दी से फिनिश। और इसके लिए मैंने एक पैंट का साइज़ भी लिया था, और जो मैंने निशान लगाए थे, और उसको मैं एक बार से फिर से मेजर कर रही हूँ, और इस पर सिलाई लगाने के बाद में मैं ये जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको कट कर दूंगी। और ये मेरी सिलाई हो गई है कंप्लीट, और ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उससे थोड़ा आधा इंच हटाकर मैंने कट कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा, जितनी मैंने सिलाई लगाई थी उससे आधा इंच हटा के मैंने एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा बाहर निकल रहा था उसको मैंने कट कर दिया है। और अब मुझे इसे नीचे से फोल्ड करना है, क्योंकि थोड़ी सी लंबी भी थी पैंट, तो ये मैंने नीचे से भी फोल्ड कर ली है, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगी। और रेडीमेड्स कपड़े जो भी आते हैं वो थोड़े इसी तरह के आते हैं, उनकी थोड़ी शेप हमें खुद से करनी पड़ती है। और सिलाई भी उनकी बहुत ज़्यादा कच्ची होती है, उनकी सिलाई बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाती है, तो इसलिए रेडीमेड जितने भी ऐसे कपड़े आते हैं उनको मैं अच्छे से स्टिच करती हूँ, तभी मैं अपने बेटे को पहनाती हूँ। तो ये मेरी सिलाई हो गई है कंप्लीट, और उसके बाद मेरे बेटे को दिलाने गए थे मेरे हस्बैंड साइकिल, और ये हो गया है रेडी ये यूनिफॉर्म। अब इसको एकदम फिट आई है, तो ये स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। और ये रही उसकी जो कि साइकिल, मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा ज़िद करके रखी थी साइकिल के लिए, बट यहाँ पर गलियाँ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी हैं, तो हम नहीं दिला रहे थे इस वजह से इसको। और कुछ ये बराबर में घर भी बन रहा था, तो यहाँ पर स्पेस इतना था नहीं साइकिल के लिए, तो बट हमने इसे प्रॉमिस किया था कि इसका कुरान मुकम्मल हो जाएगा तब हम इसको साइकिल दिलाएंगे, तो अभी हमने दिला दी थी इसको साइकिल। तो इसकी यहाँ पर वैन आती है, तो इसके पापा इसको छोड़ने आते हैं, तो वहाँ तक ये साइकिल से जाता है रोज़, तो कुछ टाइम पहले ही ये वहाँ से निकल गए हैं, आधा घंटे पहले, ताकि ये साइकिल वहाँ पर चला ले, वहाँ थोड़ा स्पेस था साइकिल चलाने के लिए। तो हमने इसे दिला दी साइकिल के, और कभी कभी जब बच्चे ज़िद करते हैं तो उन ज़िद को पूरा भी करना पड़ता है, और
बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या है, बट उनको उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हमने सोचा दिला देते हैं थोड़ी बहुत। कभी पार्क वगैरह में ले गए, तो आज उसे पार्क में भी लेकर गए थे उसके पापा शाम के टाइम, और ये देखें ये कितना खुश है। तो यही है, बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ स्पेस नहीं है इतना, तो अभी सुबह में ये जल्दी उठ गए हैं दोनों, और शहरी खाकर ये सोए ही नहीं हैं, ताकि इसको थोड़ा पहले लेकर आ जाएं। और 6:30 बज रहे हैं अभी ये जो लेकर आए हैं इसको। और जो वो मैंने वीडियो यूनिफॉर्म का डाला था, वो एक दिन पहले का डाला था, जो मैं उसको अल्टर कर रही थी इसकी यूनिफॉर्म, और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, और ये नेक्स्ट डे हमने शूट किया है। तो ये देखे कितना एंजॉय कर रहा है। और बच्चों की इसी खुशी के लिए कभी कभी कोई चीज़ें कर देनी चाहिए। और मेरा बेटा स्कूल से आ चुका है, उसके बाद हम दोनों पढ़ रहे हैं जोहर की नमाज़। तो जोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा था, और उसके बाद में मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेकर गए थे पार्क में, और उसके बाद मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया था बच्चों को, और उसके बाद ये दोनों आ गए थे पार्क में। और ये देखें इसकी साइकिलिंग, बट चलाते चलाते थोड़ी बेटर हो जाएगी। और देखिए एंजॉय कीजिए मेरे बेटे के साथ, और देखिए इसकी मस्ती को। और ये दोनों असर की नमाज़ अदा करने के बाद वहाँ पार्क में गए थे, और मैंने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया था, ट्यूशन से फारिग हो चुकी थी मैं, तो मैं खाने की प्रिपरेशन करने लगी थी इफ्तार की, और ये दोनों आ गए थे पार्क में। तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी इस टाइम यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड का रोज़ा भी था, तो मैंने उनको बोला था कि ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 5:15 बज रहे थे इस टाइम, तो मैंने उनको बोला था कि आप जल्दी आ जाएं, ज़्यादा टाइम वहाँ पर ना लगाएं, क्योंकि इस टाइम से प्यास की शिद्दत होने लगती तो है। वो 6 बजे तक घर आ गए थे ये दोनों। और फज्र में तो हम इसको नहीं उठाते हैं, बट और सभी टाइम की नमाज़ मेरे साथ अदा करता है मेरा बेटा माशाल्लाह से। और ये देखें यहाँ का व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना, और सनसेट का ये बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है मुझे तो। मैंने तो खाली वीडियो ही देखा था, तभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये इंजॉय किया है इसने खूब। और ये मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में कर रखी है वीडियो, ये इतना तेज़ साइकिलिंग नहीं कर रहा है, बट मैंने थोड़ा फास्ट किया है वीडियो को। और जैसे कि ये पार्क है, और यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह नहीं है, बट ग्रीनरी है काफ़ी अच्छी यहाँ पर, और शाम में यहाँ पर ज़्यादा रश रहता है, अभी रमज़ान है तो कोई इसलिए यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, सारा पार्क खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि रोज़े का भी 1 घंटे बाद वक्त होने वाला है, 1-1.5 घंटे बाद, तो इसलिए इस टाइम यहाँ पर कोई नहीं है। और ये यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है इनका, जो कि इनके पापा फोटो क्लिक कर रहे हैं इनके। और यहाँ पर ये पीछे मेट्रो का भी काम चल रहा है काफ़ी, और इधर एक फ्लाईओवर है, और काफ़ी प्यारा व्यू है ये, और काफ़ी बड़ा पार्क है ये। और मॉर्निंग में ज़्यादातर यहाँ पर पब्लिक आती है,
एक्सरसाइज करने, टहलने वगैरह के लिए, वॉकिंग करने के लिए। ये देखें शैतानियाँ। अब उसके बाद मैं कुकिंग करने लगी थी, यहाँ पर मैंने शूट कर लिया था, तो ये मैं बनाने लगी हूँ छोले, छोले की चाट। तो मैंने लाल मिर्च की चटनी पीस के रखी थी और ज़ीरा थोड़ा सा मैंने ऐड किया था, हींग, और उसके बाद मैं उसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें छोले डाल ली हैं, काबुली चने, और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और चटनी में ही मैंने नमक ऐड करके रखा था, तो इसलिए मैंने अलग से सॉल्ट ऐड नहीं किया है। तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, और मैंने प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक बारीक कट करके रखा था, और ये हमें लो फ्लेम पे करना होता है ताकि हमारे जो काबुली चने हैं ये जले ना। जो चने हैं वो चटनी में अच्छे से कोट हो चुके हैं, और उसके बाद में मैंने उसमें डाला है बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैंने उसको उतार लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है अजवाइन थोड़े से ऑयल में, और मैंने ली थी ग्वार की फली जो कि मैं पका रही हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा वो पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैंने सीधा ही फली ऐड कर दी है उसमें, अजवाइन में, और थोड़ी देर के लिए मैं इनको फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैंने हरी मिर्च, लहसुन और नमक थोड़ा सा उसमें पीस के रखा है, और इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और कोई भी एक्स्ट्रा मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, यहाँ तक कि मैं हल्दी भी इसमें ऐड नहीं करती हूँ, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसको। और ये वाली फली ज़रूर ट्राई करें, और इसको ट्राई करें मट्ठे के साथ, छाछ के साथ, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती हैं। और हरी सब्ज़ी है तो हरी सब्ज़ियाँ वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है, इतना कि ये हल्की सी गल जाएं, ज़्यादा इनको हमें पकाना नहीं है, ज़्यादा इन्हें हमें मिक्स मैशी नहीं करना है, बस हल्का सा ये गल जानी चाहिए। और दूसरी साइड पर मैंने रख लिया है तवा, और मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे भी दोनों आ गए थे पार्क से, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी, और रोटियां मैं साथ में ही बना के रख लेती हूँ, बाद में मैं नहीं बनाती हूँ। और जब मैं इफ्तियारी वगैरह सब रेडी करती हूँ तभी मैं सारा काम एकदम फिनिश करके रख देती हूँ, सिर्फ मुझे बर्तन धोने का एक काम रह जाता है, जितने भी बर्तन होते हैं वो सब मैं वॉश करती हूँ बाद में, और सारा काम मैं पहले ही ख़त्म करके रख लेती हूँ। और उसके बाद वैसे भी रोज़ा खोलने के बाद फिर नमाज़ वगैरह में हम लग जाते हैं, तो इतना टाइम हमें नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मगरिब के बाद, तो मैं थोड़ा सा कुरान भी पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सारे काम इफ्तियार से पहले ही मेरे ख़त्म हो जाएं। तो ये मेरी रोटियां बन चुकी हैं, उसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ कुछ इफ्तियारी, और ये मैंने कचरियाँ डाली हैं, और मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर जब ज़्यादा ऑयल में इन्हें डालते हैं तो ऑयल भी इनमें भर जाता है, तो मैं कम ऑयल में ही हर चीज़ बनाना प्रेफर करती हूँ। और वैसे भी ये नॉन स्टिक की पैन है, तो इसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है, और इजीली कम तेल में भी कोई चीज़ हम बना सकते हैं, तो इनका ये बेनिफिट है।
और ये मैंने पापड़ फ्राई कर लिए हैं, हल्का सा फ्राई किए हैं और बिल्कुल भी तेल इन पे एक्स्ट्रा रहता नहीं है अगर हम टिश्यू पेपर लगा देते हैं इन चीज़ों के नीचे। और उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ वगैरह बना ली हैं, थोड़े से फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे और एक प्लेट में हमने चाट रख ली है छोले की जो मैंने बनाई थी। और आज मैंने बनाया है नींबू पानी शिकंजी। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम खाने लगे हैं खाना। और ये मैंने जो फलियां बनाई थी वो हैं और उसके साथ हमने लिया है छाछ। और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये फलियां और छाछ के साथ। छाछ इसके साथ हम अगर लेते हैं और भी ज़्यादा टेस्ट इनका आता है। तो अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।